आजमनगर प्रखंड में स्वच्छता ग्राही संघ का पूर्ण गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष बने नवीन कुमार मंडल तथा उपाध्यक्ष बने तैमूर हुसैन उर्फ राजा। आपको बता दें, आजमनगर प्रखंड स्थित मंदिर प्रांगण में बृहस्पतिवार को आजमनगर स्वच्छता ग्राही संघ का पूर्ण गठन किया गया, जिसमें प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से स्वच्छग्राही उपस्थित थे। वहीं अरुण रजक की अध्यक्षता में प्रखंड अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें नवीन कुमार मंडल को अध्यक्ष व तैमूर हुसैन उर्फ राजा को उपाध्यक्ष तथा मुन्ना कुमार पोद्दार को सचिव पद, चंद्रशेखर ठाकुर को कोषाध्यक्ष व मोहम्मद सब्बीर को मीडिया प्रभारी, रोहित केशरी को प्रवक्ता के रूप में चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष तैमूर हुसैन ने बताया कि सभी हितग्राही अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए एकत्रित होकर सरकार से मांग करते हैं कि हम सभी स्वच्छताग्राही को मानदेय सहित सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम लोग विगत 3 वर्षों से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं स्वच्छ भारत मिशन व लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को सफल बनाने में दिन रात मेहनत कर काम किए, जो विगत 60 वर्षों में कोई विभाग नहीं कर सका। वह काम हम सभी स्वच्छताग्राही विगत 3 वर्षों में ही पूरा कर चुके हैं, फिर भी सरकार हम लोगों को अनदेखा कर रही है और सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है, तो हम सभी स्वच्छताग्राही एकत्रित होकर आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे। जब तक सरकार हम लोगों की मांग पूरी नहीं करेगी, सरकार के विरोध में खड़े रहेंगे। वहीं बैठक में प्रखंड क्षेत्र के सभी स्वच्छताग्राही मौजूद। नए तरीका से गठन किया गया है, ये हम लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम लोग जो अभी भटक रहे हैं, सभी बेरोजगार हो गए हैं, हम लोग को मानदेय नहीं मिलता है, सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिलता है। इसके लिए हम लोग एकजुट होकर नए उमंग से, नए तरीका से सरकार के मतलब पास मांग पत्र हम लोग रखेंगे, और उसके पास मेरा ये सरकार से आग्रह करेंगे कि हम लोग का जो ये मानदेय है, हम लोग को दैनिक भत्ता है, तरह तरह का जो सरकार जो ये स्टाफ को देता है, उस तरह हम लोग को भी दर्जा दे। इस यही जोश और खरोश के साथ हम लोग लड़ेंगे। आज क्या निर्णय लिया गया? आज निर्णय लिया गया कि हम लोग सबसे पहले सत्ताधारी पक्ष जो है, सरकार जो है, उनके सभी विधायक जी से, मंत्री जी से और सांसद महोदय से, MLC सर से हम लोग सबसे दरख्वास्त करेंगे, विनती करेंगे, मांग पत्र देंगे और हम लोग नए जोश क्रोश के साथ आगे बढ़ेंगे। नवीन मंडल, आजमनगर स्वच्छाग्रही संघ अध्यक्ष। आज जो है आजमनगर स्वच्छाग्रही संघ का जो है पुनर्गठन किया गया अरुण रजक जी की अध्यक्षता में, और संघ का जो है चुनाव कर नवीन मंडल जी को अध्यक्ष बनाया गया सर्वसम्मति से। और अब जो है हम लोगों की आगे की रणनीति सरकार के खिलाफ होगी, क्योंकि हम सभी स्वच्छता ग्रही लगातार 3 वर्षों से अपने जो है कामों को अंजाम देते हुए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन में लगातार सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग फॉलोअप करते हुए शौचालय बनवाने का काम किए, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन का काम किए और सरकार का जो है इस योजना को सफल बनाए, लेकिन उसके बावजूद सरकार हम सभी के साथ अन्याय कर रही है, सरकार हम सभी पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार हम सभी को बिल्कुल जो है जिम्मेदारी से हटा रही है। लेकिन हम सभी अब जो एक होकर के सरकार से यही मांग करते हैं कि हम सभी को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, हम सभी की मांगों को पूरी किया जाए, क्योंकि आज तक हमने जो काम किया है वो किसी भी विभाग के कोई भी सरकारी ऑफिसर या कोई भी सरकारी स्टाफ इतना हम लोगों के साथ, हम लोगों के तरह जिम्मेदारी पूर्वक काम नहीं किया। हम सभी मांग करते हैं स्वच्छाग्रही संघ की ओर से कि हम सभी की मांगों को सरकार जायज ठहराते हुए हम सभी का मानदेय किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद तैमूर हुसैन, स्वच्छाग्रही संघ उपाध्यक्ष आजमनगर।